हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई आज मैं बताऊंगा स्टार स्पोर्ट की सर्विस के बारे में और काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मैं आपको दूंगा स्टार स्पोर्ट के बारे में। आप पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ बहुत कुछ क्या समझ में बहुत आएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर नए हो, तो यार सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ शेयर करके। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ मैं, हम दो ट्रे रखेंगे ओके, और थोड़े से टूल्स रखेंगे ताकि ऑयल का नट और सर्विस के कुछ जो काम होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑयल का नट खोलेंगे। इसका ऑयल का जो नट है 17 नंबर का होता है। ओके, 17 नंबर का अगर आप टीटोमी लेना चाहो, सॉरी 17 नंबर का अगर आप गोटी लेना चाहो तो गोटी ले सकते हो हैंडल के साथ, और अगर आप रिंग पाना लेना चाहो तो रिंग पाना भी ले सकते हो, जो रिंग पाना होता है वो उसके साथ। ठीक है, तो हम इसका ऑयल कनेक्ट खोलेंगे। ऑयल कनेक्ट के साथ एक जाली निकलती है, वो ज़्यादातर देखा जाए तो गिर जाती है। वो गिरने के बाद आप निकाल लेना और उसको पेट्रोल से वॉश कर देना, उसके बाद आप इसको फिट कर सकते हो। ओके, तो ये जो है हमारा ऑयल कनेक्ट निकल रहा है। अब जब तक ऑयल कनेक्ट निकलेगा, ऑयल निकलेगा हमारा ऑयल कनेक्ट के साथ साथ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एयर फिल्टर खोल लेंगे। एयर फिल्टर खोलने के साथ साथ हम आपको बता देते हैं, एयर फिल्टर जो है आपको, एयर फिल्टर के चार मुंह के पेच होते हैं, आपको एयर फिल्टर के चार मुंह के पेच बाहर निकालने हैं, और उसके अलावा एयर फिल्टर चार मुंह के पेच के अलावा आपको ये कवर बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद एयर फिल्टर हमारा सामने दिख रहा है। देखो यार, सर्विस अगर आप करते हो ना तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना होगा जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और आपका हक बनता है कि वो चीज़ आप मैकेनिक से कह सकते हो। ये जो एयर फिल्टर, इसमें ऑयल आ रखा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 900 ml ऑयल डलता है। नहीं तो फिर आपकी गाड़ी की जो एयर सक्शन वाल्व का जो पाइप होता है उसमें चौक होगा, या फिर एयर सक्शन वाल्व चौक हो सकता है, और जो इंजन की जो एयर का पाइप होता है वो भी चौक होने की वजह से इसमें ऑयल आता है, और कार्बोरेटर चौक होने की वजह से भी इसमें ऑयल आता है। ओके, और अगर गाड़ी गिर जाए रोड पर तो भी इसमें ऑयल आ जाता है। तो ये जो एयर फिल्टर है फिलहाल हम इसको साइड में करेंगे, बाद में करेंगे वॉश, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप आपको दिखाते हैं कुछ जैसी चीज़ें, जैसे कि टैपिट वाल क्लियरेंस उसकी सेटिंग करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, स्पार्क प्लग खोलेंगे। भाई स्पार्क प्लग के बारे में तो मैं आपको काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पार्क प्लग खोलने के बाद क्लीन कैसे करना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं यार, रेगमाल मार के क्लीन करते हैं, तो रेगमाल मारने का तरीका जो है क्लीन करने का बहुत गलत है, ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपकी जो प्लग होता है उस प्लग के अंदर जो कचरा होता है वो रह जाता है, और कचरे के साथ साथ आपकी गाड़ी का जो प्लग के जो इलेक्ट्रोल है वो भी घिस जाता है, तो ऐसा ध्यान बिल्कुल बना करें। ओके, तो इसकी जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल आउट है। इसकी ट्यूनिंग के लिए हमें सबसे पहले इसके वाल की जो सेटिंग है, यानी कि जो टैपेट हैं, वो चेक करने पड़ेंगे। अगर टैपेट टाइट होंगे तो भी इसकी ट्यूनिंग आउट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो टैपेट है इनलेट वाल्व वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पिकअप और जो एयर कंप्रेसर है वो कम हो जाता है। हमें इसको ठीक करने के लिए इनलेट वाल्व चेक करना पड़ेगा, और इनलेट वाल्व चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 नंबर की टैपेट की जो कैप है उसको ओपन करेंगे। बट उससे पहले हम एक हाफ चैन कवर बाहर निकाल लेते हैं ताकि इसकी जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। कभी भी अगर आप सर्विस करा रहे हो गाड़ी की, तो आप बिना किसी टेंशन के मैकेनिक को बोल सकते हो कि इसका हाफ चैन कवर और नीचे वाला चैन कवर और रियर व्हील और उसके अलावा फ्रंट व्हील क्लीन करे खोल कर, आपका हक बनता है। ये जो गंदगी आप देख रहे हो, अगर आप सर्विस में साफ़ नहीं कराओगे तो कब कराओगे। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है, आप पैसे दे रहे हो सर्विस के यार, तो ये चीज़ आपको थोड़ा फोकस करनी है। ओके, मैं आपको इसमें खास चीज़ एक दो चीज़ें और बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप एक मैकेनिक हो तो भी काम आएगी, अगर आप कस्टमर हो, गाड़ी चलाते हो, आप गाड़ी के राइडर हो तो भी आपके बहुत काम आएगी। तो ये चीज़ जो है आपको मैं कपलिंग रबड़ से रिलेटेड और व्हील बैरिंग से रिलेटेड बताऊंगा। बिना व्हील खोले आप पता लगा सकते हो कपलिंग रबड़, स्पॉकेट बैरिंग, व्हील बैरिंग ख़राब है या सही है। ओके, तो ये हमने चेन कवर इसका बाहर निकाल लिया है। चेन कवर को हम साइड में रख देंगे। चेन कवर को साइड में रखने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसके जो कपलिंग रबड़ की प्ले है, सबसे पहले ये, और कपलिंग रबड़ होती क्या है मैं आपको व्हील खोल के भी दिखा दूंगा। ये देखो, ये प्ले आपको चेक करनी है, ये वाली प्ले ये प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्ले आ रही है तो इसका मतलब आपकी कपलिंग रबड़, ब्लैक कलर की रबड़ होती हैं चार पीस पीछे वाले व्हील के अंदर, वो ख़राब हो जाती हैं, घिस जाती हैं, कट जाती हैं या सरिंक होकर हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की चेन जो है, चेन झटके मार के खटक खटक आवाज़ आएगी। ओके, और चेन को सेट करने से पहले चेन में लह देख लें, लैक है या नहीं है ऊपर नीचे की। अगर है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की चेन आउट है या फिर चेन सेट ख़राब है।
आगे वाला पॉकेट चेक कर लें, अगर आगे वाला पॉकेट अगर कटा हुआ है, उसके दांते पहने हुए रखे हैं, तो वो कस्टमर से कह दे कि भाई इसका चेन सेट ख़राब है। काफ़ी सारे कस्टमर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के चेन के लिंक को कटवा लेते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, मजबूती ख़त्म हो जाती है और जो मज़ा होता है चेन से रिलेटेड वो नहीं आता है। व्हील की बैरिंग की प्ले की बात करें तो ऐसे नहीं होनी चाहिए प्ले। अगर व्हील के बोल्ट को टाइट करने के बाद ही चेक करें, लूज़ करके चेक करोगे तो प्ले आएगी और आप फिर शंका में पड़ जाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम इसकी टैपेट की कैप को खोल लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 24 नंबर की टैपेट की कैप ये खुलेगी हमारी। हमें इस टैपेट कैप को बाहर निकाल लेना है क्योंकि हमें इसके वाल क्लियरेंस की सेटिंग करनी है और वो भी सर्विस में आती है। मैं जितने भी काम आपको सर्विस में बताऊंगा वो सारे के सारे सर्विस में इंक्लूड होते हैं, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। अगर सर्विस चार्ज की बात करें तो 249 रुपये सर्विस चार्ज मेरा मोटरसाइकिल का है, नॉर्मल मोटरसाइकिल का, जैसे 110 cc, 150 cc और 100 cc। ओके, अगर 150 cc से ऊपर जाती है गाड़ी तो 299 सर्विस चार्ज होता है, यानी कि 40 रुपये आपके बढ़ जाते हैं मेरे सर्विस चार्ज में। तो ये चीज़ थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ये मेरा खुद का है, मैं कंपनी से आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी और दुकान से या शॉप से ना कंपेयर कर रहा हूँ। जहाँ मेरे को संतुष्टि होती है उसी प्राइस में मैं काम करता हूँ। तो ये वाली जो कैप है एग्जॉस्ट वाल्व की, ये हमने खोल ली है। इनलेट वाल्व की हमने कैप खोल ली है। मैं इसके अंदर आपको टाइमिंग के बारे में बताऊँगा। अगर आपको टाइमिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा, दो तरीके से टाइमिंग मिलाई जा सकती है इन गाड़ियों के अंदर, क्योंकि इनमें टाइमिंग चेन इस पॉकेट की प्लेट होती है, वहाँ से भी आप चेक करके मिला सकते हो। कैसे मिलानी है ये मैं आपको बताऊंगा। और आप ये 10 नंबर की एलंकी का जो बोल्ट देख रहे हो, नट देख रहे हो, ये नट भी खोल के टाइमिंग मिला सकते हो। अब ये कैसे मिलानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम 10 की एलंकी लेंगे। 10 की एलंकी से ब्लैक कलर की जो कैप है, नट है, इसको बाहर निकाल लेंगे खोल के, ताकि 17 नंबर का जो बोल्ट है इसके अंदर होता है मैग्नेट का, उस 17 नंबर की गोटी और हैंडल के साथ हम मैग्नेट को घुमाएंगे। सबसे पहले मैं ऊपर का टी जो वहाँ पे दिखता है, वहाँ का 12 नंबर का बोल्ट जो है वो बाहर निकाल लूँगा, ताकि मेरे को टी का ऑप्शन दिख जाए। तो ये जो है, मैंने टी का ऑप्शन दिखाने के लिए 12 नंबर का बोल्ट खोल लिया है। ओके, तो जब भी इस कैप को या फिर इस बोल्ट को फिट करो तो बॉन्ड वॉन्ड का यूज़ ना करना, उसकी वजह से आपकी गाड़ी में दिक्कत हो सकती है। बॉन्ड का तो यार बहुत कम यूज़ होता है, आप ज़्यादा यूज़ ना करें उसका। अब हम क्या करेंगे, 17 नंबर की गोटी लेंगे मैग्नेट को घुमाने के लिए, ताकि टी को प्रॉपर तरीके से मिलाया जा सके। ये हमने मैग्नेट को घुमाने के लिए 17 नंबर की गोटी ले ली है और ये हमने लिया है हैंडल। हम इसके अंदर लगाएंगे इसको और इसके बाद हम इसको दिखाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि टाइमिंग कैसे इस तरीके से मिलाई जाती है। देखो, ये जो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये मुझे जब तक घुमाना है जब तक मुझे इस पॉइंट के अंदर, यानी कि इस हॉल के अंदर 12 नंबर के, मुझे एक पॉइंट ना दिख जाए, टी नंबर का पॉइंट। और एक चीज़ खासकर मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपकी गाड़ी में अगर मान लो यहाँ पे टी पॉइंट दिख गया है तो भी आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट और राइट में मैग्नेट को हल्का हल्का घुमा के चेक करना है आपके वाल, यानी कि टैपेट वो हिल तो नहीं रहे हैं। अगर वो लूज़ हो रहे हैं, हिल रहे हैं, उसमें चाल हो रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। और आपका मेन मकसद जो होता है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ लाने का होता है। मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ से टाइमिंग मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्या होता है टाइमिंग का, यहाँ से आपको बहुत इजी वे में टाइमिंग का पता लग जाएगा कि इम्साफट एकदम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया होता है, येरा पॉइंट, अगर ये नीचे की तरफ होगा तो सिंपल सी बात है टाइमिंग का जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को इससे मैच करेंगे ऊपर वाले एरो से। और अब मैं दिखाता हूँ आपको वो पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम हिला रहे थे पहले और हमें चेक करना था वो पॉइंट जो हमारे जो मैग्नेट का जो पॉइंट है, हिलाने के पर हमारे वाल हिल रहे हैं नहीं हिल रहे हैं, यानी कि रॉगर हिल रहे नहीं हिल रहे। अगर नहीं हिल रहे तो उसका मतलब टैपेट ठीक है। और ये पॉइंट अभी हमारा ऊपर है, इसका मतलब पिस्टन हमारा ऊपर है। ओके, और ये है हमारी कपलिंग रबड़। ये देखो कपलिंग रबड़ हमारी हार्ड हो गई है, जैसे कि उसमें प्ले थी काफ़ी ज़्यादा। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमें जब हम गियर डालते हैं, क्लच छोड़ते हैं, तो जैसे ही क्लच छोड़ते हैं आगे भगाने के लिए तो खटाक से आवाज़ आती है, खटाक। अगर ऐसी आवाज़ आ रही है तो समझ जाना आपकी गाड़ी में ये रबड़े ख़राब हो गई हैं। ये रबड़े ख़राब होने की वजह से ही आपकी गाड़ी में परेशानी आती है। तो ठीक है, ये जो चीज़ है मैंने आपको बहुत ज़्यादा बारीकी वाली बताई है, इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। टाइमिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छी बात बताई है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर, आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं कस्टमरों को नहीं पता होती, उन लोगों को नहीं पता होती हैं, बस वो जाते हैं सर्विस कराने के लिए और वो देखते हैं कि मेरी गाड़ी की चेन टाइट हो गई, धुलाई पॉलिश हो गई, प्लग साफ हो गया और ऑयल डल गया, हो गई भाई सर्विस। तो ऐसा नहीं होता है, आपका हक बनता है ये सब चीज़ें चेक करने का। सर्विस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंजन के सारे बोल्ट टाइट करने होते हैं, आपकी गाड़ी के सोकर के, रियर सोकर के अगर एडजस्टेबल है तो उसकी एडजस्टिंग चेक करनी होती है, 10,000 किलोमीटर पर एक पॉइंट एडजस्टिंग ऊपर होती है। ओके, तो ये हमारे टैपेट हैं, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, इसके अंदर ऊपर नीचे की प्ले आप देख रहे हो, मैं और थोड़ा सा बारीक से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इसमें ऊपर नीचे की प्ले है, मैं आपको दिखा देता हूँ ढंग से, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ ना जाने की वजह से दिक्कत हो रही है। ये देखिए इसमें TVS की जितनी भी बाइक हैं, जितनी भी, चाहे वो 100 की हो, चाहे वो 150 की हो, चाहे वो 160 cc की हो, ऊपर नीचे की प्ले जरूर रहेगी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना,
ऊपर नीचे के प्ले आप 0.05 mm रख सकते हो और एग्जॉस्ट में 0.07 mm रख सकते हो इनलेट एग्जॉस्ट। ओके, अगर ऐसा करते हो तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, अगर ऐसा नहीं करते हो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने 0.05 mm की जगह आपने 0.02 या 0.03 mm कर दिया, यानी कि टैपेट टाइट कर दिया, तो आपकी गाड़ी में बार बार बंद होगी, ट्यूनिंग की प्रॉब्लम आएगी और CO लेवल की सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देनी है आपको। और हाँ, एक बात और, पिकअप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। चलो हम ऑयल डालते हैं इसके अंदर फटाफट से। हम डालेंगे इसमें मोटर 20W50 ऑयल का ग्रेड, तो हम इसमें अंदर ऑयल डालते हैं। मेरे पास पूरा कंप्लीट बैरल आता है, क्योंकि ये डिब्बे में जो होता है, एक डिब्बे में काफ़ी जो है दिक्कत होती है, और सिंगल डिब्बा जो है मेरे यहाँ यूज़ नहीं होता, पूरा बैरल आता है, क्योंकि मेरी खपत ज़्यादा होती है, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस गाड़ी में मैं डालूँगा पूरा का पूरा 900 ml ऑयल। ओके, तो ये जो है 900 ml ऑयल इसमें जाएगा, और 900 ml ऑयल जाने के बाद इस गाड़ी के अंदर हम सबसे पहले कीप लगाते हैं और ऑयल डालते हैं। तो दोस्तों, मोटुल का जो ऑयल होता है वो बेस्ट होता है। मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मोटुल यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मोटुल की आती है। मोटुल के साथ साथ मैं एक एडिटिव ऑयल एब्रो कंपनी का भी डालता हूँ। ओके, तो उससे क्या होता है, ऑयल ट्रीटमेंट जो होता है वो इंजन की स्मूथनेस को बरकरार रखता है, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। और ऐसी गर्मियाँ चल रही हैं, आपको पता ही होगा, तो ये गर्मियों में अच्छा ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है गाड़ी के लिए। तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आप देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।